Hey, इतने साल बाद मैं वापस लौटा हूँ तो सोचा पुराने दोस्तों को वही छोड़ दिया, अब दोस्तों का भी तो होना जरूरी है ना। और वैसे भी तुम लोगों जैसे दोस्त हो तो और भी जरूरी हो जाता है। ये अरे ये तो बड़ा कमजोर निकला, ये क्या मुझसे दोस्ती करेगा बेचारा। मेरी एक ही फाइट खाकर इसकी तो हवा निकल गई। अब तुम लोग भी बताओ, बुजदिलों से भला कोई दोस्ती करता है क्या? मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है। अब जब तुम लोग आ ही गए हो तो थोड़ी सी कबड्डी हो जाए। हाँ? सोचा था हाथ पैर नहीं चलाऊंगा, मारपीट नहीं करूंगा। वेरी बैड पीपल। सर सर कहाँ चले गए ये? डैडी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डैडी सब कुछ खत्म हो गया, चलिए चलिए अभी। हाँ उठाइए, चलिए।
दत्ता ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मौसी। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो हाय। हाय गर्ल्स। ही सो हैंडसम यार। और रोज रोज जॉगिंग करके फिट भी है। ही सो क्यूट यार। बहुत मस्त है। ए, हम लोग जॉगिंग नहीं कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, समझी क्या? अरे कुछ मत कहिए, अगर आप भी ऐसे ही जॉगिंग करते तो हैंडसम होते ऐसे नहीं। इसीलिए आप लोग भी जॉगिंग किया करो वरना आपका पेट फट जाएगा। देखा तुमने उसकी तरफदारी में क्या कह गई? अगर हम उसे छोड़ देंगे तो पूरे शहर को बिगाड़ के रख देगा वो। चलो मेरे साथ आओ। आप लोग इस तरह दौड़कर अपना पसीना क्यों बहा रहे हैं? गिरफ्तार करने के लिए क्या मिलेगा? तरक्की मिलेगी। उससे क्या हासिल होगा? पगार 1000 रुपए बढ़ जाएगी। मैं आपको 5000 देता हूँ। अगर आप लोग मुझे इसी तरह कोऑपरेट करते रहेंगे तो आपको बोनस मिलता ही रहेगा। ये लो। पीछे मुड़। लंबू, मामला निपट गया ना? फुल एंड फाइनल डील हो चुकी है लंबू। इतनी जल्दी? 5-10 रुपए कमाने वालों को अगर 10-5 हजार रुपए मिल जाए तो उल्टे पांव दौड़ कर आते हैं। अच्छा, वो लोग तो खिलाड़ी लोग हैं वो। ठीक है चलो चलते हैं। और ये सब फेंक इसको, चल। चल। नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। ये लो तुम्हारी स्कूल फीस के लिए। शुक्रिया भैया। और ये लो तुम्हारे बस पास के लिए। अच्छा भैया चलता हूँ, बहुत देर हो चुकी है। अरे जाओ मजे करो। इस तरह बांटकर सारे पैसे खत्म कर दोगे। चलना। हे ऑल चिंटूज, चलो आ जाओ यहाँ पे। क्यों दीदी, आपके शोहर कॉल सेंटर में ड्राइवर है क्या? मैंने उन्हें कल देखा था। अबे चुप ना यार। अरे ज्योति इधर आना। हाँ भैया। ये तेरे कंप्यूटर फीस के लिए। ये लो इससे एक अच्छा ड्रेस ले लेना अपने लिए। ठीक है भैया। और ये लो अपने लिए चेन बना लेना। सारे के सारे रख लो, हमारे लंबू को आज तनख्वाह के साथ बोनस जो मिल गया है। हाँ नमस्ते। अरे टिंगू ये बोनस नहीं है, समझाना, तुझे इतना नहीं समझ में आता। वो लड़की जवान हो गई है, मैं सिर्फ उसका जिस्म ढकने की कोशिश कर रहा हूँ आज के माहौल में, और ये सब तुझे समझ में नहीं आएगा। दोपहर के खाने के लिए स्कूल में जाने का इरादा है क्या तुम्हारा? अरे चाचा जी जरा इसे पकड़ना। अरे बेटा रात भर बुखार था, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के पास जाना। अरे तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, ये लीजिए जाइए दवा ले लीजिए। शुक्रिया बेटा। ठीक है। ए टिंगो, ये तातन के बेटे को धमकाने के लिए बोला था ना? धमकी से उस पे कोई असर नहीं हो रहा, उसकी सुपारी ही देनी पड़ेगी। ए, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर तातन को कौन देखेगा? अब तक कौन देखते आया है? मैं। आगे भी तुमको ही देखना पड़ेगा। चलो चल। दादी माँ कुछ खाने को लाई हो क्या? जा हट यहाँ से, भुक्खड़ कहीं का। दत्ता तुम आ गए बेटा। दादी आपके पोती की शादी 8 तारीख को है ना? उसके लिए नहीं आई हूँ, डोसा बनाई थी तो तुम्हारे लिए लेकर आ गई। जादूगर दादी, डब्बे में डोसा देकर डोनेशन लेने के लिए आई हो ना? वैसे खर्च कितना आएगा दादी? ज्यादा कुछ नहीं बेटा, खाना पीना कपड़ा लत्ता दहेज कुल मिलाकर 1.5 लाख मिल जाए तो हो जाएगा। बस इतना ही ना, शाम तक आपके घर पहुँच जाएगा। बिल्कुल, एटीएम सेंटर में 24 आवर्स कैश जो मिलता है, आप जाओ। अरे तुझे दर्द क्यों हो रहा है? दयावान की तरह तुम ऐसे ही बांटते रहोगे तो कबाड़ियों की तरह रात को खाली हाथ घर जाना पड़ जाएगा। तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ मैं, आखिर तुम्हारी भी तो जिंदगी है, अपने बारे में भी तो सोचो लंबू। नहीं टिंगो, इस समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं देखा ना, अमीर है गरीब है भिखारी है शराबी है, हर तरह के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन खुश रहने वाला कौन है? कोई भी दिल से खुश नहीं है यार। हम ये जो दान करते हैं ना, किसी की मदद करते हैं, उससे हमें जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी देखकर ही हमारे दिल को एक अलग से सुकून मिलता है यार। नमस्ते सर। तुम? सर मेरा नाम है परशा।
परसा? नहीं मतलब परशुराम सर। मेरी गाड़ी के सामने क्यों खड़े हो? सर मुझे आपकी मदद चाहिए सर। मदद चाहिए? कैसी मदद? सर राइट जेब में सिगरेट है, लेफ्ट जेब में माचिस है सर, जरा निकाल के दे सकते हैं क्या सर? ओ सिगरेट जलानी है क्या? हाँ सर, घंटे भर से कई लोगों को बोल चुका हूँ सर, लेकिन सब लोग बिजी है कहकर चले जा चुके हैं। जब आपको देखा तो आप बहुत भले इंसान लगे सर। आपके हाथ को क्या हुआ? सर ये कारगिल युद्ध में जो लड़ाई हुई थी ना, दुश्मनों ने शूट किया क्या? नहीं सर, अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। कारगिल के लफड़े में ना सर। आपने कारगिल में युद्ध लड़ा था? और क्या सर, सैल्यूट सर। थैंक यू सर। दुश्मनों से तो मैं बच निकला था और उन्हें गोली मारकर खत्म कर दिया और सीधे आगे बढ़ गया। जीत की खुशी में जब हम लोग खुशी मना रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तानी समझकर मेरे हाथ काट दिए। उनको डर था ना कि मैं कुछ कर दूं, इसीलिए उन्होंने हाथ भी नहीं छोड़े सर। अफसोस, फिक्र न करें। थैंक यू सर। सूटकेस, मेरा सूटकेस कहाँ चला गया? मेरा सूटकेस कौन ले गया? ये मेरा सूटकेस। एलम्बर, इस ब्रीफकेस के अंदर 5 लाख रुपए तो होंगे। अरे उससे भी ज्यादा हो सकता है। मतलब 5 लाख 10 हजार? अरे पागल, कम से कम 10 लाख से ऊपर होंगे। 10 लाख? इतना पैसा एक साथ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसे खोलूं क्या? तूने क्या? मैंने भी नहीं देखा। ओपन कर, ओपन कर। हे मेरे मंगलदाता, मेरा मंगल कर दे। गोविंदा गोविंदा। अरे हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया लंबू। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं यार, किस्मत ही खराब है। कैश की बजाय नमक की छोटी छोटी पुड़िया रखी हुई है इसमें। इसी नमक की वजह से गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्च किया था। 5 रुपए का नमक है इस पुड़िया में। ये तो हीरोइन है यार। फिल्म हीरोइन को पीस की पाउडर बना दिया है क्या? अरे पगले, हीरोइन का मतलब होता है ड्रग्स, अपनी जुबान में समझा। तो ये सब कितने में बिक जाएंगे? इसके बारे में जानने वाला एक ही बंदा है। कौन है वो? गांधी नगर का गॉस। केमाम थोड़ा ज्यादा डालिए ना। केमाम हमाम मत बोलो, जो मिल रहा है ले लो। चूना थोड़ा कम लगाना, पहले भी मेरा मुंह कट चुका है। पहले तो थोड़ा ही कटा था, आज पूरा कट जाएगा। बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम। ये लो खाओ, निकलो। गॉस भाई। हाँ भाई जान। आजा लंबू, ये कौन है? लंगूर की तरह क्यों चढ़ गए? नीचे उतरो। अरे डरने की जरूरत नहीं है, चल आजा। कहाँ से पकड़ ला इसे? ये लो, ये देखो भाई जान, इसे कहाँ से लेकर आए? वो सद्दाम हुसैन को अमेरिका वाले गिरफ्तार कर रहे थे ना, तब खुशी में वो बांट रहे थे, वहीं से बटोरा। मुझे चूना लगाओगे क्या? ए गेंडे, खाने के लिए आम मिल रहा है ना, तो फिर गुटली काय को गिन रहा है? इसकी कीमत बता चल। ये तकरीबन है। बोल दे इसको। इसे क्या हो गया? क्या पता क्या हो गया। 1 करोड़ मिल सकता है। निकल लिए क्या? टिंगो भैया, पानी छिड़किए। अबे अरे उठना यार, क्या हो गया? 1 करोड़ मिलेंगे। मैं पहले उठ तो सही। भाईजान, मैं इसका डील करवा सकता हूँ, इसके लिए हमें बादशाह भाई के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम मुझे डीलर के पास ले चलो, हम तुम्हें 25 लाख दे देंगे। अरे ये भी बेहोश हो गया, पानी फेंक इस पे। भाईजान सच में 25 लाख दोगे? लंबू की जबान पत्थर की लकीर है, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो बात खत्म। अच्छा चलो भाईजान, धंधे पर ध्यान दे, 25 लाख लेकर आता हूँ। भाईजान 25 लाख दोगे ना? अरे कह तो दिया ना। लंबू, 75 लाख का हम क्या करेंगे? अरे मजे करेंगे यार। भाईजान 25 लाख दोगे ना? एक बार बोला ना दूंगा। लंबू, हे लेट ले। लंबू 75 लाख में हम क्या क्या कर सकते हैं? अच्छी अच्छी ड्रेसिंग करके, अच्छा अच्छा खाना खाकर, बढ़िया से गाड़ी में बैठने का मजा क्या होता है, शानो शौकत क्या होती है वो महसूस करेंगे। अरे भाईजान कहाँ चले गए?
हैं? दोस्त भाई ये कौन है? ये हमारे खास आदमी है, बादशाह भाई है क्या? आ जाओ। हाँ आओ। वो दोनों हरामखोर मुझे चूना लगाकर चले गए। आप बस हुक्म करें भाई, वो जहाँ भी होंगे काट कर आपके कदमों में डाल दूंगा। बैठ जाओ, मैं बादशाह भाई को बुलाता हूँ। वैसे 25 लाख याद है ना? काम करना। लंबू, इस डील के हो जाने के बाद हम ऐसा ही बंगला किराए पर लेंगे। अबे किराए पर नहीं, खुद का लेंगे, खुद का। हाँ वास्तु शास्त्र देखना पड़ेगा। हाँ ये भी सही है। ये डिंगो, अगर इसी के ऊपर बना ले तो? किस लिए? इसका वास्तु भी सही है ना, इसी को खरीद लेते हैं। दरवाजा पश्चिम की तरफ है। हाँ? अरे नहीं नहीं, सूरज उस तरफ डूबता है, हम भी डूब जाएंगे। कैंसिल कैंसिल। भाईजान 2 करोड़ के माल 1 करोड़ में दिलवा रहा हूँ। धंधे में बच्चे भी कच्चे, मैंने उन लोगों को बोतल में उतार दिया है। कहाँ है वो दोनों? हॉल में बैठे हैं। लंबो, एक बार में ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देना तुम। हाँ सही बात है डिंगो, वन डे पेमेंट। हाँ वो भी चेक नहीं, कैश चाहिए, कैश कैश। रोकड़ा 100 के नोट नहीं, 2000 के नोट मांगना उनसे। बिल्कुल। नमस्ते भाई साहब। अबे किसको सलाम ठोक रहा है, बैठना चुपचाप। अपने पीछे मुड़कर देख। दत्ता कभी पीछे नहीं देखता है, वो सिर्फ आगे देखता है, समझे? अपने पीछे मुड़कर देख। क्या है पीछे? अरे नीचे नहीं ऊपर, पीछे मुड़कर देख। क्या है ऊपर? अरे सर आप तो यहाँ पे वो मैं ये लीजिए सर, आपकी। हमको तो पता ही नहीं था सर कि आप इतनी ऊंची हस्ती है। सर नहीं सर, मुझे कुछ मत कीजिए सर, अगर आप चाहे तो इसको ले लीजिए। नहीं सर, ये मुझे क्यों दे रहे हैं सर? इसके दोनों हाथ काटने के लिए। ये मैं नहीं कर सकता हूँ बॉस। सर इसे छोड़ेंगे तो मैं नहीं बचूंगा, मुझे छोड़ेंगे तो ये नहीं बचेगा। अगर तुझे जिंदा रहना है तो इसे खत्म करना ही होगा। ये नामुमकिन है बॉस। सर किसे जिंदा रहना है और किसे मरना है, ये फैसला तुम और ये दोनों मिलकर कर लो। सर, क्या करूं, मेरी मजबूरी है यार। क्या सर, आप एक को मारोगे एक को जिंदा रखोगे? ऐसा जुल्म मत कीजिए सर। नहीं सर, ओके बॉस जरा साइड में तो चल, साइड में चल रहा तू। अबे क्या कर रहा है? अरे साइड में चल, साइड में चल एक बार। अबे अपने दोस्त पे हथियार चला गया क्या? पीछे चल, पीछे चल, साइड में चल। मुझे डर लग रहा है, हटा ना इसको। अरे चल ना पीछे। अरे मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। क्यों बे, हम लोगों को हल्के में मत लेना। इस मैदान में आने से पहले ऐसा खेल हम बहुत खेल चुके हैं। तेरे आंखों के सामने जिंदगी से प्यारी तेरी बीवी का सिर फुटबॉल जैसा लुढ़कता हुआ नजर आएगा। हमें नहीं चाहिए उसे, तुम ही रख लो। इसको रख लूं? 1 घंटे में 2 मर्तबा, दिन भर की बात करोगे तो डिस्काउंट देगी। तुम्हारी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, पूरा साथ देगी तुम्हारा। लंबो टिंगो, ये तो हमारे ऊपर निकल गया। ए काट डालो कमीनों को। ए जाओ, अरे चल चल भाग। यहाँ छुप जाता हूँ, कोई देख नहीं पाएगा। चलो चलो। अंधे देख कर नहीं चलता ना, गिर गया तू। अरे भाई वो यहाँ छुपा हुआ है। अरे उन्हें क्यों बुला रहा है, उन्हें मत बुला मेरे बाप। अरे रुक, चलो ढूंढते हैं।
आई सच में लंबू तुम्हारी मर्दानगी काबिले तारीफ है। नियत साफ नहीं थी ना, इसलिए करोड़ों के चक्कर में फंस गया। लौट के बुद्धू घर में आए यही गनीमत समझो। लंबू, उस गॉस को हमने 25% देने का वादा किया था, वहाँ से भागने के बाद उसे 25% तो मिल गया होगा ना। ये सब पूछने से पहले तो अपना हार्ट ठीक कर ले, फिर देखेंगे उसे मिला या चूना लगा। बेटा अरे क्या बात है दादी, फिर से आ गई दादी। वाह, उधर उस बादशाह और उसके चमचो ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है हम दोनों को, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारे मार खाने की वजह सिर्फ तुम हो, जो तकदीर में लिखा उसे कोई नहीं बदल सकता। सुनो, तुम यहाँ पर आ तो गई हो, लेकिन यहाँ से चुपचाप तुम लौट जाओ, मुझे लाइफ में कोई टेंशन नहीं चाहिए। टिंगो जरा चुपचाप बैठ। दादी माँ आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आपको 1.5 लाख चाहिए ना? हाँ बेटा, आज रात सारे पैसे आपके घर पे पहुँचाएंगे, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है, आप बेफिक्र होके जाइए। ठीक है, चलती हूँ। तूने फिर से उसको बोल दिया, बोलने से पहले सोच लिया कर। ए टिंगो, सोचने के लिए हमारे ना कोई आगे है ना पीछे है, चार लोगों का भला हो जाए तो वो बेचारे खुश हो जाते हैं, यही काफी है हमारे लिए, ज्यादा सोच मत रहे, चलो चलते हैं। अरे आना। मुबारक हो लंबू। किस खुशी में टिंगो? हमारे लिए इस घर की बिजली कट चुकी है लंबू। अबे मोटे, पहले चश्मा निकाल। ओह सॉरी, टेक्निकल मिस्टेक। अच्छा सुन, जो भी माल हाथ लगे सीधे उठा लेंगे। डन। उस तरफ जा। ओके आजा। डिश क्या? बे हाथी का दांत उखाड़ेगा, प्लास्टिक है वो। चल प्लास्टिक का है क्या? छी। डिश क्या? लगाना। अबे टिंगू कितनी खूबसूरत है यार। देख लंबू मेरी बात सुन, हम यहाँ लड़की पसंद करने के लिए नहीं आए, चोरी करने आए हैं। इसको भी चुरा लो। देखना कैसे रानी की तरह सोई हुई है यार। रानी की तरह सोई इस लड़की को अगर रानी मुखर्जी समझ के तुमने हाथ लगा लिया ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो यहाँ से, चलो ना। चल। इसके पैर भी खूबसूरत। एक बार और देख लो। नहीं, चल यहाँ से लंबू, चल, मेरी बात मान, फंस जाएंगे, निकल ले यहाँ से, पागल हो गया है क्या? ये लंबू, नहीं नहीं नहीं, हम ये करने नहीं आए हैं लंबू, चल यहाँ से, चल यहाँ से, जल्दी चल, चुपचाप चल, अच्छा अच्छा, नहीं यार, ये वाला दरवाजा है कि वो वाला दरवाजा है? ए, पुलिस पकड़ लेगी तो पटक पटक कर मारेगी। अबे चलो, जल्दी चल यार। ये हार ना
नागमणी की तरह है, ये नागमणी की तरह है, ये तो चंद्रमुखी की तरह है, चंद्रमुखी की तरह है यार। सुपर्ब। सही कहा, सच में सुपर्ब है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सही कहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये सब तारा सेठ को बेचेंगे तो कितना रहेगा? जिस लड़की से मोहब्बत हो गई उसकी चीजें तो बेचने की बात करेगा? लड़की से मोहब्बत हो गई? क्या क्या बताऊं टिंगू, मैंने जब से उसको देखा है ना, जाने क्यों बार बार मिलने का मन कर रहा है उससे, बार बार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मजनू बन गया हूँ उसके चक्कर में। मोहब्बत एक जानलेवा बीमारी होती है। बात तो सही है। अच्छा टिंगू, ये बता तूने जिंदगी में ऐसी लड़की पहले कभी देखी है क्या? हाँ कसम मैंने नहीं देखी। मैंने जब से उसे देखा ना, मुझे कुछ ना कुछ तो होने लगा है, पता नहीं क्या है ऐसा उसके अंदर। अगर मैं प्यार करूंगा और शादी भी करूंगा ना, तो सिर्फ उसी लड़की से करूंगा। पर्सनल डायरी चेक करता हूँ, शायद इसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिल जाए मुझे। अरे लंबो, माँ कसम वो लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती, एक बार इसमें चेक करो। मैंने टिंगू, मोहब्बत शुरू नहीं हुई कि तूने भूलने की बात शुरू कर दी क्या? ये मेरे हाथ में क्या, क्या है? डायरी। दूध की डेरी है? मेरे बाप, डेरी नहीं डायरी है। तो क्या हुआ इसके अंदर, क्या लिखा है पता? क्या लिखा है उसमें? मैं जिस लड़के से शादी करूंगी वो हैंडसम ना भी हो तो कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, मैं उसके लिए बिल्कुल फिट हूँ। मुझे उस लड़के के मजहब से भी कोई लेना देना नहीं है। अरे अपने मजहब का तो पता ही नहीं है। अरे असली मसला तो अब आ रहा है, देखो क्या है। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो कि वेल एजुकेटेड हो। इसका क्या मतलब हुआ? वेल एजुकेटेड का मतलब तुमको पता है क्या होता है? मतलब कि बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। अरे तो पढ़ लेंगे ना यार। तुम्हारी खोपड़ी फोड़ कर देखा जाए तो भी अक्षर नहीं मिलेगा, वेल एजुकेटेड तुम कैसे होगे? देख टिंगू, एक वॉचमैन कौन से कपड़े पहनता है? खाकी वाले कपड़े पहनता है। और एक सियासतदान कौन से कपड़े पहनता है? सर पर टोपी और खादी पहनता है। और एक वकील काला कोट पहनता है। और एक डॉक्टर सफेद रंग का कोट पहनता है। तो किसी भी पढ़े लिखे का लिबास पहन लेंगे तो काम हो जाएगा ना यार। आपके पैर छूने के लिए घुस रहे घुस रहे। क्या कहा? एजुकेटेड ड्रेस चाहिए? हाँ मैं हर तरह का लिबास सीता हूँ, पर ये वेल एजुकेटेड ड्रेस क्या है? टेलर जी आप बिल्कुल भी नाराज मत होइए, डिग्री लेते वक्त जो ड्रेस पहनते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा है क्या? ये लो, ये वो ड्रेस तो नहीं है, कन्वोकेशन ड्रेस है। टेलर जी ये तो बुर्के की तरह और भिखारी के कटोरे की जैसे है। अरे बेवकूफ, ये कन्वोकेशन ड्रेस है, यही पहना जाता है। लंबू जी टन टन कितने अच्छे लग रहे हो, दिल करता तुम्हारा एक फोटो ले लूं। लंबू जी टेलर कुछ कमी लग रही है ना इसमें? मुझे तो कोई कमी नहीं दिख रही। अरे वो जो हाथ में लिपटी हुई गोल गोल। ओ अच्छा टेलर भाई, ये लेडी बॉम्ब को क्यों मोड़ रहे हो? ये बॉम्ब नहीं है, ये डिग्री है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक इट प्लीज। पेमेंट कर दे इनको। मुश्किल की घड़ी में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चोर हमेशा लेता है, देता नहीं। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यही कर। कितना हुआ भाई? अरे मेरा मीटर कट गया। तेरी तो मीटर तो छोड़ दे। ओफ भाई आप टेंशन मत लो, वो वैसा ही है। मीटर मीटर ये रहा तुम्हारा मीटर। ये लीजिए भाई। तुम्हें वकील के काले कपड़े पहनने के बाद मैं तो बिल्कुल मजदूर लग रहा हूँ ये बैग उठाकर। अरे चलना बेल बजा। तेरी तो। कौन हो तुम लोग? उनसे बोलिए कि हम लोग आए हैं। हम बोले तो जाकर कहो कि शास्त्री नगर से आया है। मैम साहब, कमीने तू दाऊ नहीं है? नहीं मैं काली आया हूं। चिंदी चोर लफाड़ी, चैन खोल दूंगा तेरी। हे नाचो रे गाते। कितनी बार तुमसे कहा है कोई भी ऐसे डोर बेल बजाए तो दरवाजा नहीं खोलना है? मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? मुझसे पूछे बगैर ही दरवाजा खोल दिया। कौन है? मैडम आप ही हो क्या? आप क्या, चोरी हुई थी ना? हुई थी, पर आपको कैसे पता? चोरी तो हम लोगों ने ही की थी ना। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, आप क्या, जिसने चोरी की थी वो चोर हमारे घर भी आया था, हमने उसकी धुलाई की तो उसने आपका पता बताया, हम सामान लेकर आए हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। शुक्रिया मुझे नहीं, मेरे एजुकेटेड बॉस को बोलो। थैंक यू सो मच, मेरा परफ्यूम सॉफ्ट टॉय सब कुछ लेकर चला गया था, मैं कितनी परेशान हो गई थी, मैं कैसे समझाऊं। But anyway, thanks a lot and so sorry. सामान मिल जाने की खुशी में मैं पता नहीं क्या क्या बोल गई। Come in. Please come in. लंबू, उसकी हाइट थोड़ी कम नहीं लग रही क्या तुमको? अबे अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का मामला भी तो ऐसा ही है। आइए आइए आइए,
प्लीज बैठिए ना। प्लीज प्लीज प्लीज, हमें बैठने के लिए ना कहे, हमारे पास बहुत सारे काम है, हमें समाज सेवा के लिए और कई जगह जाना है अभी। वैसे ये क्या, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हाथ में और कॉन्वोकेशन ड्रेस पहन करो। अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी? सिटी इलेक्ट्रिक सिटी बैंगलोर। यू मीन बैंगलोर यूनिवर्सिटी? या वाओ या या वेरी इंटेलिजेंट। हाउ मच परसेंटेज? अपना सर्टिफिकेट दिखाओ ना। या थैंक यू। ओह मल्लिका, ओके ओके ओके, वेरी इमोशनल मैन। बस सर्टिफिकेट दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? पहले अपनी माँ को दिखा के आशीर्वाद लेगा, उसके बाद ही किसी और को दिखाएगा, ऐसा है मेरा दोस्त। ओह हाउ स्वीट, आई एम सो सॉरी। क्राइंग हाय लंबू। ओह मम्मी मम्मी मम्मी, लव लव, वेरी इमोशनल सेंटिमेंटल मैन। आप जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, इसलिए तो चुराया हुआ सामान वापस लौटा दिया। कुछ कहा है? ऐसे लोग रोने पर आ जाए तो उनके आंसुओं से समंदर भर सकता है। राइट, एनीवे नाइस मीटिंग यू। कुछ ज्यादा ही हो रहा, थोड़ा साइड में आ जाओ। पैर पे पैर रख के आराम से लेटे हुए हो लंबू। लड़की ने हाथ क्या दे दिया, तुम तो हवा में उड़ने लग गए। तुम्हें कोई टेंशन नहीं है क्या? अबे तू क्यों टेंशन दे रहा है मुझे? मैं जो कहने वाला हूँ उसे सुन लोगे तो टेंशन ही नहीं, तुम्हारा बीपी भी बढ़ जाएगा। अबे जो बकना है जल्दी बकना। उस खूबसूरत लड़की ने इसमें क्या लिखा है तुम जानते हो? कुछ है ऐसा कुछ लिखा है क्या? बकवास मत कर, उसके होने वाले शोहर को 5 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। 5-6 बादशाह? अबे हम तो एक ही बादशाह को जानते हैं, वो भी काले धंधे का बादशाह। अरे मैंने बादशाह नहीं बोला, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। मतलब फिल्मों के बादशाह की बात कर रहा है? ठीक है वो भी हो जाएगा ना यार। इसके लिए अच्छे टीचर का इंतजाम करना पड़ेगा। ट्यूशन क्लास जाओगे क्या? देख टिंगो, किसी भी हीरो के बारे में जानने के लिए हमें भाषा की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, मैनेज कर लेंगे, अपने आप मैनेज हो जाएगा। 3 दिन में भाषा सीखने वाली किताब तो खरीद ले यार। टिंगो अब तो मुझे जलील कर रहा है, चुरा कर नहीं लाना है, उठा कर लाना है। दत्ता? हाय। हाय। आप यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ रोज आती हूँ बुक्स खरीदने। और आप? मैं भी रोज आता हूँ लड़कियों पे डोरे डालने के लिए। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हाँ मैंने भी नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। राइट सॉरी। चलो ना। ओके। हाँ सॉरी, देखो कपड़े तो गंदे नहीं हुए ना। गोविंदा 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 गोविंदा। ओ पाजी, आपने हमें देखा ही नहीं। आप? मैं हूँ आपका पुराना रिश्तेदार। अच्छा आप हो क्या? आइए गले लगिए, आइए गले लगिए। वैसे कहाँ थे आप? हम अभी अभी फ्लाइट से उतरे हैं, फिल्म में पैसा लगाया था, सारा पैसा डूब गया। मैं फिल्म का हीरो ढूंढ रहा हूँ। आप हीरो बनोगे क्या? हाँ बनूंगा ना, इसकी कसम बनूंगा। चिरंजीवी कैसे हैं? जय चिरंजीवी। और अपने वेंकटेश कैसे हैं? वेंकटेश टकाटक है, तिरुपति में मिलकर आया। बालकृष्ण भाई कैसे हैं? बालकृष्ण के बारे में कुछ मत बोलिए, वो बिल्कुल फिट हैं। ये क्या हमारी भाभी हैं? अरे मुंह पर अलग ज्यादा बोल रहे तू। ओ ठीक है, आप दोनों खुश रहें। वो क्या दो नई मॉडल मेरा इंतजार कर रही है, मैं चलता हूँ। जय चिरंजीवी। आप तेलुगु हीरोज के बारे में भी जानते हैं? वो कैसे? मैरिज होने तक मैनेज करना पड़ेगा। पार्डन मी, मतलब ये कर्नाटक में उन लोगों का हमेशा आना जाना लगा रहता है ना, तो उनसे बात करते करते पहचान हो गई। ओ मेरे लुंगी उठा दी, सॉरी आपने कुछ देखा तो नहीं ना, लुंगी उठाने से गड़बड़ हो जाती है। आप मेरा हीरो आ गया, तुम कैसे हैं जी? आप यहाँ पर कैसे? हम तुमसे केरला में उर्मिला दीदी से मिलने को आया था, उधर तुमसे मुलाकात नहीं हुआ इसीलिए हम यहाँ पर आया जी। अच्छा दत्ता, लग रहा है इन्हें कहीं देखा है। अरे नहीं नहीं, ये दूसरे हैं, वो दूसरे थे। वैसे खाना खाया गया? मैं कह रहा हूँ कि कॉफी पी ली? हमारा मतलब है आपको हीरोइन बनने का इंटरेस्ट है क्या जी? अब ज्यादा बोल मत वरना जान ले लूंगा तेरी। ओके, हम चलता जी। जय स्वामी जय स्वामी। आप हीरोइंस को भी जानते हो? नहीं वो क्या है ना, एक बार मैं शबरीमला गया था तो वहाँ पर यशुदास से सीख लिया। यशुदास को भी जानते हो? हाँ मैं तो उन्हें जानता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं जानते। जानते हो उन्होंने हमें 5 मिनट में सब सिखा दिया। 5 minutes? Oh my God, you are great, दत्ता।
ओए मुझ तो उधर लग गई। सॉरी जी, सॉरी। वैसे पंजाब के भी सारे एक्टर्स को जानता हूँ। ओए गुरु, अरे पाजी तुरक 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 तुताड़ा ना। पाजी की हालत, उसे बंगड़ा कर रही है, लस्सी वस्सी पीकर तगड़े हो जाओ। ओए लंबू, तुम बात कर रहे हो कि मुझे गाली दे रहे हो? अबे सारे नामों में सिंह लगाकर बात करनी चाहिए, समझा? आसी हरभजन सिंह, सन ऑफ धर्म सिंह, बैटिंग टू महेंद्र सिंह, लवर टू जेआर सिंह, एवर टू राजेंद्र सिंह, सच में गाल। इससे ज्यादा बोलेंगे तो हमारा भेद खुल जाएगा, हम निकलते हैं। जी जी। तो टोटल कितने लोगों को जानते हो? मुश्किल से 10-15 एक्टर्स को जानता हूं। आप मुझे 100 रुपए के नोट जैसे लगते हो। वो क्यों? वो हर जगह चलता है ना, तुमने अभी देखा गया है। मैं बस अभी चेंज करके आता हूँ जी। एनीवे दत्ता, आपसे जान पहचान करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस मीटिंग यू। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय। हाथ देकर खुद हाथ छुड़ाकर चली गई। सॉरी मैडम, हम चलते हैं जी। पर मारा क्यों? हम तुम्हें क्या समझ बैठे थे यार? तुम हॉरर फिल्म की हीरोइन हो क्या? ओहो, किस बात की पार्टी है भाई? शराब पीकर खुदकुशी करना चाह रहा हूँ इसलिए। अब ऐसा भी क्या हुआ है तेरे साथ? मेरी बात सुनने से पहले एक घूंट तुम भी लगा लो, अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, तू ही शौक पूरे कर ले। उस लड़की की डिमांड दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है, इसीलिए तुम उसे भूल जाओ। जब भी मुंह खोलता है तो मनहूस बात ही करता है। अरे यार, उसकी डिमांड थी इसीलिए तो इतनी माथा पीछे की। ये वाली डिमांड बहुत ज्यादा खतरनाक है। अच्छा? लंबू, उसने अमिताभ बच्चन की जंजीर को 50 बार देखा है। He likes angry young man। वो उसी से शादी करेगी जो जंजीर के अमिताभ की तरह कड़क पुलिस ऑफिसर होगा। अरे यार, तू है हमारी किस्मत पे भाई। किस मिट्टी की बनी है रे वो? कैसी फिल्में देखती है? हम एक चोर हैं, रास्ता भटके हुए हीरो की फिल्में छोड़ के कैसी कैसी फिल्में देखती है? चोरी वाली फिल्म देखने वाली लड़कियां तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगी, तुम इसे बस भूल जाओ। ये तो बिल्कुल नहीं होगा डिंगू। वो क्या कहते हैं ना, सिंसियर एंड स्ट्रिक्ट। हाँ, उसके लिए मुझे पुलिस ऑफिसर बनना पड़ेगा। लंबू मेरे भाई, हम सिंसियर और स्ट्रिक्ट चोर हैं। वो सब मैं नहीं जानता डिंगू, बस बनना है तो बनना है, लेकिन बनूंगा कैसे यार? इसे गटक लो एक बार। आइडिया आया। अरे बाप रे, क्या मुझे क्यों मारा है इसने? आखिर मैंने ऐसा क्या किया? अरे बताइए ना सर। चुप बैठेगा प्लीज, बताइए ना सर। वो आई क्या? देख तो मेरी क्या गलती है सर? वो आ रही है, इस तरफ ही आ रही है। तेरी गलती के लिए मैं तुझे सीधे अंदर कर दूंगा। हाँ, रैम खाकर छोड़ रहा हूँ तुझे। मैंने ऐसा क्या किया? तेरा अभी खाया ना तूने? हाँ खाया था। किधर डाला तूने? डस्टबिन में डाला। ए, जिंदगी देने वाले छिलके को क्या समझता है तू? क्या मतलब? केला इंसान खाए, छिलका जानवर खाए, इसलिए छिलका बनाए, समझा ना? वो क्या दिख रहा है? मैं मेरी जान, कितने दिन हुए तुझे खाना खाए? अरे रे बेचारी, मैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 10 महीने हो गए गरीब को खाना खाए। धन्य है महाराजा। नो मोशन, नो मोशन, ड्यूटी टाइम। मोशन नहीं, इमोशन। या तूने केला खाकर अपना पेट भर लिया ना? जो इंसान सिर्फ अपना ही सोचता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता, वो इंसान नहीं जानवर होता है। सॉरी सर, आज के बाद केला खाकर छिलका नहीं फेंकूंगा डस्टबिन में। वो देख तो रही है ना डिंगो? हाँ देख रही है। ओह, इसको भी पकड़ कर लाया क्या? एक्सक्यूज मी प्लीज। क्यों मार रहे हो मुझे? तुम्हारे कहने से मैंने केले का छिलका वहां फेंका, कचरा पेटी में नहीं डाला। वहां देखिए, अब जरा इधर देखिए। उधर बकरी नहीं है तो हम क्या करें? बॉस, परमिशन बॉस। तुम इतनी बड़ी आवाज करके पूछ रहे हो कि आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारे फेंके हुए छिलके से अगर कोई फिसल कर गिर जाता, उसके हाथ पर टूट जाते, तो उसके हॉस्पिटल का खर्चा, उसके परिवार के देखभाल का खर्चा आप करते क्या? एक छिलके के लिए तुम लोगों ने इतना मारा। अब इस केले के छिलके का क्या करूं? जैसा था वैसा ही करके रखो, नहीं तो जहाँ से उठाया था वहीं पर रख दो, वरना अपनी जेब में रखो और चलो निकलो यहाँ से। केला खाऊंगा। निकला निकला। एक्सक्यूज मी। यस।
आप इंस्पेक्टर कब बने? हाँ, वो डायरी पढ़ने के बाद, मतलब की जंजीर फिल्म देखने के बाद। विच स्टेशन? रेलवे स्टेशन, आई मीन धारावी स्टेशन। धारावी स्टेशन। आई एम वेरी लकी कि आप जैसे फ्रेंड्स मिल गए, इसीलिए आप लोगों का स्टेशन देख सकते हैं। वो किस लिए? आपका वर्किंग स्टाइल देखना चाहती हूँ। वही जो आपने यहाँ पर देखा ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम, सेम टू सेम। मैंने स्टेशन कभी नहीं देखा, प्लीज देखना चाहती हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं। अबे मुझे लेके जाना पड़ेगा इसको, अबे चलो। आप पुलिस स्टेशन जाने से पहले एक कॉफी हो जाए? श्योर। हाँ तो चलो ना। हमसे ज्यादा सवाल नहीं दोगे या नहीं ये बताओ, वरना फोन रखो। सर 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 सलाम सर सलाम। ए क्या है ये, कौन है? जीप लेकर गए, वापस नहीं करनी है क्या? वो क्या तुम्हारे बाप की है? उसे मेरे गुरु चोर बाजार में बेचने के लिए गए हैं। आप मेरी हेल्प करेंगे क्या प्लीज? कैसी हेल्प? एक दिन के लिए स्टेशन किराए पर चाहिए मुझे। क्या किराए पर? हाँ। और किराए में क्या मिलेगा? बिस्किट मिलेगा। बिस्किट दो, गोल्ड बिस्किट। तब तो हम स्टेशन ही तुम्हारे नाम का। आपको देख कर लग रहा है कि जल्दी आप लोग चांद पर सेटल हो जाएंगे। किस लिए? क्योंकि यहाँ रहोगे तो गुस्से में मुझे चबा जाओगे ना। देखिए जब मेरे दत्ता भाई यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों ने सैल्यूट मारिएगा बस प्लीज। बदले में क्या मिलेगा? एक सैल्यूट का 100 रुपए मिलेगा। अभी से शुरू करता हूँ, निकालो पैसे। तुम्हारे पैर कॉफी से भी बहुत अच्छे हैं। कुछ कहा आपने? कॉफी बहुत टेस्टी है। आप इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो इंस्पेक्टर दत्ता हियर। सर मेरा मोबाइल मिस हो गया है सर, प्लीज। अरे मिस नहीं हुआ है, चोरी हो गया है। अगर आपको मिल जाए तो मुझे प्लीज वापस कर देना सर। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ पुलिस स्टेशन जाओ। हाँ जाओ। क्या बात है? अरे वो शिकायत करना चाहता है। ओह एक्सक्यूज मी, हेलो। हेलो लंबू, पुलिस स्टेशन से सेटिंग हो चुकी है, सब रेडी है। अच्छा ऐसा, ठीक है ठीक है, तो आता हूँ। तो चले। पर ये कॉफी? अरे चलते चलते रास्ते में पी लेंगे, चलो चलो। ये लो सर आ गए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सब कुछ रेडी है? गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। बस हो गया, ये बार बार सैल्यूट मार रहा है। 100 रुपए बोला है मैंने इसको, इसलिए मार रहा है। नमस्ते सर, तीन ही काफी है। गुड मॉर्निंग सर। क्या पुलिस स्टेशन को फायर स्टेशन माना कर रखा है? और तुम लोग पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करने आते हो या चिल्लाने आते हो? सर नमस्कार सर, सर जितना बात करोगे उतना पैसा लगेगा, बाद में टिप दे देंगे। वेरी स्ट्रिक्ट मैडम। आइए हम जरा सकते हैं अपने पुलिस स्टेशन में, लेकिन आप अंदर चलिए। ए इधर आ। 10 बार सैल्यूट हो गया। सैल्यूट जोड़कर पूरा हिसाब बाद में करूंगा। नमस्कार, अब मुझे सैल्यूट करने का पैसा नहीं मिलेगा। क्या कहा? आपका स्टाफ आपसे बहुत डरता है ना? डरता है? अरे थर थर कांपता है मुझे देखकर, बहुत दहशत है मेरी यहाँ। 120। वो पान की दुकान में मिलेगा। 420। नमस्ते सर। नमस्कार। 12 हो गया। 12 हो गया का क्या मतलब है? वो 12 बज गए हैं ना। ओ खाने का टाइम हो गया। आउटसाइड ईटिंग स्टमक अपसेट, इनसाइड ईटिंग। एक मटन पुलाव, एक चिकन पुलाव, एक मटन फ्राई, एक फिश फ्राई, एक दाल फ्राई, एक चिकन चिली और एक बटर चिकन। क्या इनकी फोटो यहाँ क्यों लगी हुई है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आँख कान नाक सिर सब कुछ। झटका लग गया ना, मेरी फोटो यहाँ देखकर तुमको लग रहा होगा कि हम लोग चोर हैं। नहीं पर आपकी फोटो यहाँ क्यों है? फाइन, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। और भी तरीके हैं निकालने के लिए। मैंने तुमसे पूछा क्या? सर 13 हो गया। चुप रह, चुप हो जा यार। वो क्या है ना कि चोर लोग हमारी फोटो देखकर हमको भी वो चोर समझने लगेंगे, तभी मैं उनके ग्रुप में शामिल होकर उन्हें आसानी से पकड़ सकता हूँ ना। इसलिए मेरी फोटो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टॉयलेट और वांटेड लिस्ट में नजर आती है। यू आर ग्रेट दत्ता, आखिरकार तुम इतने एजुकेटेड जो हो। सर सर बचा लीजिए सर। क्या हुआ? वो बादशाह के गुंडे मार्केट में सबको मार रहे हैं सर। अरे तो इसमें हम क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन जाओ ना भाई। पुलिस स्टेशन ही तो है सर। पुलिस, अरे हाँ पुलिस स्टेशन ही तो है। ओए अरे इनको अंदर ले लो यार, चलो चलिए। वाओ ये तो कोई ख्वाब जैसा लग रहा है। क्या ख्वाब? आपका स्टाइल देख लिया, आपकी ईमानदारी देख ली, अब आपका एक्शन भी देखूंगी मैं। एक्शन? दत्ता लोगों की जान बचाने का मौका है। अरे लेकिन वो हमारे इलाके में नहीं आता ना। दत्ता इस वक्त इलाके विलाके की बात मत करो, लोगों की जान बचाना आपका फर्ज है, चलो। ए, तू जानना चाहता है ना कि हम सब लोग कौन हैं? जानने के बाद ही तू सब कुछ लिखता है ना। मेरा भाई वीरप्पन इस शहर का सबसे बड़ा भाई है, जानते नहीं हो क्या तुम?
इस शहर में हमसे पंगा लेने की किसी की हिम्मत नहीं होती। एमएलए एमपी हमारे सामने सर झुकाते हैं और तेरी इतनी हिम्मत। बचाओ। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। हेलो मिस्टर। अरे कोई तो मुझे बचाओ। इन्हें बचाने वाला यहीं पर है। दत्ता आ जाओ। अरे तू है क्या? मैं ही हूँ। चोरी चकारी छोड़कर इंस्पेक्टर कब से बन गया तो? तुम भी ये सोचकर धोखा खा गए कि ये चोर है? इसमें धोखा क्या खाना है, ये चोर ही तो है। तुम जैसों को पकड़ने के लिए कभी कभार चोरों की एक्टिंग करनी पड़ती है, आँख होकर भी अंधों की तरह। सर आप देख क्या रहे हैं, जाइए ना। चलो चलते हैं। ए, आड़ो, आड़ो, आड़ो। सर, अरे पीछे की तरफ नहीं, सामने जाइए। इस तरफ क्या? लोगों के सामने मारूंगा तो बुरी तरह जलील होगा। तू ना? मैं नहीं बेटा, तू। अब चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो बहुत मारूंगा तुझे मैं। मैं तुझे रे। देखा ना बड़े भाई, धुलाई कर दी इसने मेरी, अब तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा। तो आ जाना। ये मेरे साथ लड़ेगा। अरे इस फाइटिंग को खत्म होने से पहले निकलना होगा मुझे यहाँ से। Thank you.
हीरो के जैसे मार रहे हैं। ये तो सुपर है। hey, जाकर गिरफ्तार करो उन्हें। जाओ कहाँ चलो? उन पुलिस वाले को मैं ही बुलाकर लेकर आया हूँ। तुम लेकर आए? हाँ, मैं भी तो पुलिस वाला हूँ, करेक्ट। यस लंबू, वेरी गुड फाइटिंग, आई लाइक इट। चलो जज को बुलाओ, मुझे जाओ तो नहीं यार। अरे तो मैं फट पीस फस्ती एक कर दूंगा। चल पुलिस स्टेशन चल। दत्ता, मैं जिस तरह के इंसान से शादी करना चाहती थी वो सारी खूबियां तुम में हैं। आई लव यू। ओम वसुरूप तृप्त्यजमिदं त्रिलोकदं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। यजमान, आपका बेटा स्वर्ग लोक में जाए इसके लिए प्रार्थना कीजिए। ये अक्षत हाथ में लीजिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब मेरे साथ दोहराइए, मम पुत्राय स्वर्गं प्राप्ते अस्त्यो। मैं अपने दुश्मनों को सीधे नरक पहुंचाऊंगा। ऐसा मत बोलिए, ये लीजिए, मम पुत्रायाम स्वर्ग प्राप्त्यस्तु। तुझे मारने वालों को नरक पहुंचाऊंगा। बेटा, तुझे मरे हुए 20 साल हो गए। 20 सालों से यह दुश्मनी की आग मेरे सीने में दहक रही है, वो नहीं बचेंगे। हे भगवान, हमारे राजू जी को जल्दी हमारे पास भेज दो, फिर मैं घी का दिया जलाऊंगी। आरती ले लो बेटी। बेटी, तुम कितने सालों से अपने राजू का इंतजार कर रही हो, साथ ही व्रत और उपवास भी कर रही हो। वो जहाँ भी होगा कुशल से होगा। फिलहाल भले वो यहाँ नहीं है, पर हमें तुम्हारी प्रार्थना पर पूरा यकीन है, वो जरूर आएगा। बेटी, आपकी बात सच हुई तो उनके आने की खुशखबरी सबसे पहले मैं आपको ही सुनाऊंगी पंडित जी। बहुत खुशी की बात है। ओम नमः शिवाय। तुम अपने राजू के वापस आने के लिए मन्नत मांग रही हो ना, लेकिन मैं भी हर पल उसका इंतजार कर रही हूँ। तुम हफ्ते के एक दिन उपवास रखती हो, लेकिन मैं हर रोज उसके लिए उपवास रखती हूँ। हम दोनों भगवान से एक ही चीज मांग रहे हैं, और वो ये कि राजू जल्दी लौट आए। हाँ, वो लौटेगा जरूर, तुम्हारे लिए आएगा, मेरे लिए आएगा, मेरी बहन के लिए आएगा, मेरे अंकल के लिए भी आएगा, और सबसे बढ़कर वो यहाँ अपनी मौत के लिए आएगा। भाग्यश्री, भाग्यश्री। आई मैम साहब। मैम साहब दीजिए। मैम साहब, आप गांव में थी ना, तो दत्ता साहब आपकी वास्ते आए थे। अच्छा। मैम साहब, आपके लिए कॉफी लेकर आऊं? नहीं, दत्ता के साथ ही पीऊंगी। हाय दत्ता। यस, इंस्पेक्टर भीमा हियर। किससे मिलना है? इंस्पेक्टर दत्ता कहाँ है? मैं हूँ इंस्पेक्टर। अभी ट्रांसफर हुआ है आपका? नो, 2 साल से मैं यहीं ड्यूटी कर रहा हूँ। मजाक मत कीजिए। क्या बात है मैडम, आप होश में तो हैं? मैं तो होश में ही हूँ, आप नहीं है। पुलिस स्टेशन में आकर बदतमीजी कर रही हो। बिहेव योरसेल्फ इंस्पेक्टर। ए, तुम लोग इन्हें बताओ कि मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ कि नहीं हूँ। जी बोलिए मैडम। उस दिन आप लोग किसको सैल्यूट कर रहे थे? पुलिस स्टेशन उस दिन किराए पर दिया था। तुम लोगों ने पुलिस स्टेशन किराए पर दे दिया और मुझे नहीं बताया? दरअसल वो जो रेफ्रिजरेटर मंगाया था ना, वो फर्स्ट हैंड नहीं सेकंड हैंड था। सेकंड हैंड नहीं, फर्स्ट हैंड था, शोरूम से मंगाया था। बहुत पुरानी बात है। ठीक है, मैं जिनकी बात करी उनकी फोटो वहाँ है। इंस्पेक्टर दत्ता। वो इंस्पेक्टर नहीं है मैडम, वो बहुत बड़ा चोर है। देखिए मैडम, आप एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की लग रही हैं, लेकिन उसके आगे पीछे माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं है। गलत काम ही उसका धंधा है। पता नहीं कितनी मर्तबा वो जेल भी जा चुका है,
एक नंबर का 420 आदमी है वो। आपको तो अकल होनी चाहिए। अगर उससे मिलना है तो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, इन जगहों पे जाइए मैडम। चालीस का अस्सी, चालीस का अस्सी, चालीस का अस्सी, चालीस का अस्सी, जल्दी बोलो, चालीस का अस्सी, चालीस का अस्सी, चालीस का अस्सी, चालीस का अस्सी, बालकनी का भी अस्सी, बालकनी का अस्सी। एक बालकनी की टिकट देना। अरे जाना भाई नहीं है। क्या हुआ भाई? अरे निकलना, चल अरे भाई ना। अरे अरे भाई बोलो ना, चल। ब्लैक मार्केट सेलिंग ब्लैक टिकेट्स, सो कैचिंग रॉबर्स, मफ्ती, इट इज न्यू टेक्निक। नहीं वो Shut up! तुम एक इंस्पेक्टर हो, वेल एजुकेटेड हो, पूरे देश के एक्टर्स को जानते हो, कुछ नहीं आता तुम्हें। You are a fraud. मेरे साथ खेल खेला तुमने। प्यार नाटक नहीं होता, प्यार प्यार होता है। At least प्यार की तोहिन तो नहीं करते। प्यार को तुम क्या समझोगे? तुम तो यतीम हो ना? कोई जरूरतमंद किसी और की जेब काटकर अपनी जिंदगी गुजारे तो गलत है। जिनके साथ तुम धोखा करते हो उन पर क्या बीतती होगी, कभी सोचा भी है क्या तुमने? हाँ, मैं एक चोर हूँ, धोखेबाज हूँ, झूठा हूँ, तुमसे भी झूठ कहा, लेकिन इन सबसे बढ़कर सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार? और तुमसे? तुमसे प्यार करने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूँ। ना जाने पिछले जन्म में कितने गुनाह किए होंगे जो इस जन्म में तुम ठोकर खाने के लिए, गालियाँ सुनने के लिए एक यतीम की तरह पैदा हुए हो। तुम्हारे जैसे लोग भले ही कितने भी जन्म क्यों ना ले लें, पर वो ऐसे ही रहेंगे, यही उनकी जगह है। चोरी करके तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो, चाहे कितनी ही चीजें खरीद भी लो, लेकिन प्यार कभी नहीं खरीद सकते, वो तुम्हारे मुकद्दर में ही नहीं है। दूसरों की मेहनत की कमाई को तुम चोरी करके इतने इत्मीनान से खुश कैसे रह सकते हो पता नहीं, उन्हीं की हाय लगेगी तुम्हें, कभी चैन नहीं मिलेगा। माँ बाप क्या होते हैं, प्यार क्या होता है, तुम क्या समझोगे? तुमसे प्यार करने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। ना जाने पिछले जन्म में कितने गुनाह किए होंगे जो इस जन्म में ठोकर खाने और गालियां सुनने के लिए एक यतीम की तरह पैदा हुए हो। चाहे कितने भी जन्म क्यों ना ले लो, हमेशा ऐसे ही रहोगे। चाहे कितने भी जन्म क्यों ना ले लो, हमेशा ऐसे ही रहोगे। दत्ता बेटा। क्या बात है चाची? मेरे पति को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, तुम मदद करोगे बेटा? मैं भला आपकी मदद क्यों करूंगा? मैंने ठेका लेकर रखा है क्या सबकी मदद करने का? मैं आप सबकी मदद करने के लिए जिंदगी भर बस चोरी चकारी करता आया हूँ। क्या इसीलिए पैदा हुआ हूँ मैं? मुझे कुछ और काम नहीं है, कुछ नहीं कर सकता क्या मैं? मैं कुछ नहीं करूंगा अब से, बिल्कुल नहीं। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, समझ गई? आज के बाद मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। अब जाओ यहाँ से, आप जाओ। दत्ता, तुम्हारे कहने पे मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम तो इस कॉलोनी के लोगों के लिए और हमारे लिए फरिश्ते की तरह हो, लेकिन अब से हम यही सोचेंगे कि हमारा फरिश्ता हमसे रूठ गए हैं बेटा। ये क्या किया तुमने? जो तुम्हें फरिश्ता समझते उनको दुख दे रहे हो तुम, ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। उस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया अलम्बू। अबे, लोगों की मदद करने का ठेका लेकर रखा है क्या हम लोगों ने? क्या जरूरत है यार सबकी मदद करने के लिए मैं चोरी करूं, टिकट ब्लैक में बेचूं? अब हाथ जोड़ता हूं, मुझसे ये सब नहीं होने वाला है। अरे यार, हमारा भी तो कोई बाप रहा होगा ना? अरे हमें बाप के प्यार का कोई हक नहीं है क्या? हम यतीम तो पैदा नहीं हुए थे। कोई भी आया और हमें यतीम होने का एहसास दिलाया, हम भी तो इंसान हैं और हमारे भी तो जज्बात है ना भाई। अगर हमारे माँ बाप होते तो हमसे कोई ऐसी बात करता क्या? कुछ नहीं होगा लंबू। आइए सब। वो कहीं भाग तो नहीं जाएगा ना? भागने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है सर। बड़ी मुश्किल से मैंने ऐसा मासूम बंदा तलाशा है कि क्या बताऊं सर आपको। मासूम है?
बिल्कुल सर, उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, वो बेचारा यतीम है। वो यहीं सामने ही रहता है सर, मैं अभी जाकर उसे बुला कर लाता हूँ। आप यहीं पर रुकिए सर। बुलाओ। मुझे ऐसे झमेले में फंसना नहीं है और सरदर्द भी नहीं चाहिए। अरे इसमें कमाई बहुत होगी। अरे सरदर्द पालकर कमाने का क्या फायदा है? इनकार करने से पहले एक बार सोच लो। हमें नहीं करना है, बोला ना, जाऊं यहां से। मिल गया, मुझे जो चाहिए मिल गया, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, इंसानियत के लिए ये काम मेरे लिए कर दो बेटा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम मेरे बेटे बनने का बस एक छोटा सा नाटक कर दो बेटा। ये मुझसे नहीं होगा सर। दरअसल हमारा भी एक बेटा था, एक दिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई, जिसके गम में मेरी बीवी अपने होशो हवास खो बैठी। कई साल हो गए पर उसे अब भी अपने बेटे के वापस आने का इंतजार है बेटा। मैं इस कदर बदकिस्मत हूँ कि उसके खातिर कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ बेटा। बस किसी भी तरह एक बार ठीक हो जाए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, मेरी बात मान लो। मेरा बेटा अगर जिंदा होता तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होता, तुम्हारे लिए सिर्फ एक नाटक है, लेकिन इससे हमें बहुत खुशी मिल जाएगी बेटा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं मैं बेटा। इस बेबस बूढ़े बाप की बात मान लोगे तो मेहरबानी होगी। मैं जानता हूं कि तुम एक यतीम हो, पर मेरी बीवी के दिल में ममता ही ममता है, वो तुम्हें अपने बेटे का प्यार देगी, मेरी बात मान लो बेटा। सर मैं जरूर बनूंगा सर। मैं तुम्हें बदले में लाखों रुपए दे सकता हूँ। मेरे पति को हार्ट की प्रॉब्लम है, तुम मदद करोगे बेटा? 1.5 लाख से काम हो जाएगा बेटा। सर मैं जरूर चलूंगा सर। अगर आप थोड़ा सा एडवांस दे दे तो थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी और किसी की मदद हो जाएगी, उसकी सिचुएशन बहुत खराब है। मैं आ जाऊंगा ना सर। पंडित जी, क्या हुआ बेटी, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। हमारा राजू आ रहा है, उनके लिए पूजा कर दीजिए। ठीक करवा देना बेटी। और चाहे जो हो जाए, जब वो यहाँ पर आ ही रहा है तो यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाना चाहिए। आज हाथ से मौका जाने मत देना। उस शांति वर्मा से बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये बात दिलो दिमाग में बिठा लो, और वो जैसे ही यहां पर पहुंचे काट कर फेंक देना। हे भगवान, बस मुझे बहुत कामयाब बना दे, यही आशीर्वाद चाहिए। लंबू तुम्हें तो ये मिल गए, मेरा क्या अरे होगा? तू परेशान क्यों हो रहा है? तू दादी का ख्याल रख, मैं वहाँ पर सबको सेटल कर दूंगा। अच्छा बात सुन, नए कारोबार का मामला है तो तू टेंशन मत लेना। अरे लंबू, अरे समझा करिए बेटा, ट्रेन छूटने का टाइम हो गया है। अच्छा ये बता, मैं इस कोर्ट में जज तो रहा हूँ ना। ठीक है, अच्छा चल मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और दादी का भी ख्याल रखना। चल फिर मिलेंगे टिंगो। लंबू अच्छे से रहना, टिंगू वक्त पर खाना खा लेना, अपना ख्याल रखना लंबो। हाँ तू भी ख्याल रखना भाई, मेरी फिक्र मत करना। बाय। एक मिनट। हाँ ठीक है। बोलिए डैडी। मैं उसे अपने साथ लेकर आ रहा हूँ, तुम ऐसा करना स्टेशन पर मलिक अर्जुन के आदमियों के साथ अपने आदमियों को भी भेज देना, क्योंकि हम कोई चांस नहीं ले सकते। कल के बाद तुम पूरी तरह से आजाद हो जाओगे। बैठिए ना सर, आराम से आराम से। We'll be right back.
नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आपने ये नकली गहने पहने हैं क्या? नकली नहीं, असली गहने हैं। तभी तो मैं कब से सोच रहा हूँ कि ये इतने चमक क्यों रहे हैं। इतनी चमक से तो पूरा कंपार्टमेंट जगमगा रहा है। अरे बेटा, जब हाँ। मैंने सोने के गहने पहन रखे हैं तो थोड़ा दिखावा तो करूंगी ना। आंटी, कहीं दिखावे के चक्कर में आपके साथ धोखा ना हो जाए और गर्दन पे चाकू रखकर कोई गहने लूट ना ले। पता है आंटी, ट्रेन में ना ऐसी लूटमार बहुत ज्यादा होती है। अरे बेटा, मैं लुटेरों से नहीं डरती। औरत को कमजोर नहीं होना चाहिए। तुम तो इतने हट्टे कट्टे दिखते हो, फिर तुम क्यों डरते हो? डर तो मैं रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथों में खुजली हो रही है, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आ जाओ बेटा, नीचे उतरो। क्या? क्या बात है, आखिर कितने सालों बाद मेरा बेटा अपने गांव आया है। तुम्हारी माँ देख के कितना खुश होगी। राजू, अबे तू मुझे जानता नहीं है, तेरी तो मैं हड्डी पसली लेकर चल दूंगा। ये अचानक मुझे फ्लैशबैक के गुंडे क्यों नजर आने लगे हैं? सर नहीं, डैडी जी, वो अचानक गिरने की वजह से मुझे कुछ अपने पुराने दोस्तों की याद आ गई। मैं जरा मिलके आता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ दोस्तों, मिल लो मुझसे। इतने साल बाद मैं वापस लौटा हूँ तो सोचा पुराने दोस्तों को वही छोड़ दिया, अब दोस्तों का भी तो होना जरूरी है ना। और वैसे भी तुम लोगों जैसे दोस्त हो तो और भी जरूरी हो जाता है। ये अरे ये तो बड़ा कमजोर निकला, ये क्या मुझसे दोस्ती करेगा बेचारा। मेरी एक ही फाइट खाकर इसकी तो हवा निकल गई। अब तुम लोग भी बताओ, बुजदिलों से भला कोई दोस्ती करता है क्या? मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है। अब जब तुम लोग आ ही गए हो तो थोड़ी सी कबड्डी हो जाए। Oh!
सोचा था हाथ पैर नहीं चलाऊंगा, मारपीट नहीं करूंगा। वेरी बैड पीपल। सर सर कहाँ चले गए ये? डैडी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डैडी सब कुछ खत्म हो गया, चलिए चलिए अभी। हाँ उठाइए, चलिए घर। राजू जी, आंटी हमारा राजू आ गया है। आंटी आंटी, हाँ आंटी राजू आ गया है सच में। आंटी उठिए ना। हेलो, क्या हुआ डैड? सब उल्टा पुल्टा हो गया, इसने सारे लोगों को पीट दिया। उसने सबको अकेले मारा डैड, और क्या मैं तुमसे झूठ कहूंगा क्या? व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लाउज। अरे लंबू, ब्लाउज मत बोल, हाउस बोल, हाउस, समझ में आया? हाउस। या राजू एक मिनट रुकिए। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो ट्रेन से उतरते वक्त हल्की सी चोट लग गई थी तो ये खून निकल आया। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। राजू तुम सफर में थक गए होगे, पहले आराम कर लो। हाँ अपना राजू ही है, राजू राजू है। हाँ, तुम जाओ उसे आराम कर लेने दो थोड़ा। हाँ तुम भी आराम करो। मैं राजू के लिए कुछ, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम जाओ। दत्ता दत्ता कितना गिर चुका है तू, कितना नीच बन चुका है बे तू। हाँ अबे वो लोग बेचारे तेरी जिंदगी संवारने के लिए बेटा बनाकर लाए हैं तुझे, और तू अपने लालच में उनकी दौलत में नजर गाड़े बैठा हुआ है। जरा देख, देख ये महल, कितना बड़ा घर है। कभी पहले ऐसा घर देखा है तूने? कभी रहा है इसमें? नहीं ना, कभी नहीं ना। लेकिन क्या करें, यहाँ आने के बाद उस लड़की की चेन को देखकर, अरे छी 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 छी, आज के बाद ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करने हैं तुझे। हाँ चुपचाप खामोशी से रहना। अरे चुप चुप, अरे चुप, अरे आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? क्या राजू जी आप मुझे आप बुलाएंगे क्या? सिर्फ काव्या कह सकते हैं। देखिए काव्या जी, दरअसल
कपड़े उतारते वक्त अगर मुझे कोई देखे तो। राजू जी, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहिएगा। हाँ हाँ जरूर, लेकिन आप मेहरबानी करके प्लीज। ठीक है राजू जी। इसकी तो बाप रे, भगवान मेरी इज्जत बचा ली तूने। राजू जी, जब आप छोटे थे ना तो अमूल बेबी की तरह गोल मटोल हुआ करते थे, पर अब बिल्कुल ही मैन लगते हैं। तू है तुम लोगों पर, खा खा कर दिन पर दिन सांड की तरह फैलते जा रहे हो। हाँ, पिछले 3 सालों से मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, पिंजरे के शेरों के जैसा पाला। एक अकेले इंसान को नहीं मार सके। वो अकेला नहीं मालिक, वो 100 आदमियों के बराबर है। लानत है। मालिक, आप जिसे मामूली समझ रहे हैं वो मामूली नहीं है मालिक, वो तो बहुत खतरनाक है। हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर आया है। हाँ मालिक, वो कुल्फी वुल्फी सब जानता है। कुल्फी नहीं है वो, कुंग फू है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। गलती हो गई, गलती हो गई बेटा। मैंने गलती से शेर के जबड़े में हाथ डाल दिया। छोड़ दीजिए डैड। कैसे छोड़ दूं बेटे, उसकी मौत के बाद ही मल्लिकार्जुन के गुस्से की आग ठंडी हो सकती है और फिर मैं तुम्हें बेटा बनाकर उसके घर भेज सकता हूँ। डैड, ये तो गलत बात है ना। और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना बेटा। वो मर जाएगा, मैंने यही सोचकर तुम्हें विदेश से बुलाकर गेस्ट हाउस में ठहराया था। मतलब मेरे सर से खतरा अभी टला नहीं है डैड। खतरा टलेगा, जरूर टलेगा। कैसे? उसे टालना ही होगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसे मार भी सकता हूं। लोमड़ी चाहे जितनी चालाक हो पर वो शेर का शिकार कभी नहीं कर सकती। ये हुनर उसमें कभी नहीं आएगा। और हाथों में अगर गन्स हो तो हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए, वरना अपने जान को खतरा हो सकता है। सोच कर देखो, सोचो जरा। हथियार मेरे हाथ में है और तुम्हारे हाथ में मेरे बेटे की जिंदगी। अरे कौन बदतमीज डिस्टर्ब कर रहा है यार। हेलो बेटे। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा डैडी। कौन है? मेरे डैडी? मेरे डैड तो टोकियो जापान में घूमते हैं। हाँ अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा डैडी। ड्यूप्लीकेट? हेलो, हाँ कहिए सर। मैं गेस्ट हाउस में हूँ, इसी वक्त चले आओ। ओके डैड, गेस्ट हाउस में ही ना, अभी आता हूँ। वो यहीं आ रहा है बिल्कुल अकेला। Thank you.
बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मदद करो मेरी, मदद करो मेरी, बचा लो, बचाओ, अपने हाथ दो, बचाओ मेरी मदद करो, बचाओ बचा लो, बचाओ, ओए भास्कर से जाकर कह देना ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। आई चेंज यार, यू टू ऑल्सो चेंज। बात पल्ले नहीं पड़ी क्या? मतलब मैं बदल गया हूँ तो उसे भी बदलने को बोलो। इस तरह खेल खेलता रहेगा तो जहन्नुम भी नसीब नहीं होगा उसको। डॉक्टर साहब, अभी तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। हम सिर्फ आपके कहने पर ही यहाँ पे आते हैं। ये महज वक्त की बर्बादी है। अरे डॉक्टर साहब, आपको इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो आप जा सकते हैं यहाँ से। राजू, ये क्या कह रहे हो आप? खामोश रहिए डैड। सिर्फ सफेद कोट पहनने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है, समझे? इलाज करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए और मरीज को ठीक करने का हौसला भी होना चाहिए। अरे अरे डॉक्टर राजू, आपको पता नहीं है सर, ये लोग सिर्फ पढ़ाई करके सफेद कोट डालकर आ जाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। अरे लेकिन कुछ नहीं है माँ, डॉक्टर ने कहा है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। हा? अब मैं जो आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। राजू, वंडरफुल, मेरे मेडिकल करियर में ये सबसे बड़ी कामयाबी है मैडम। आप 80% ठीक हो चुकी हैं। अब 2-4 दिन और फिजियोथेरेपी लेंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। असल में इसकी वजह हमारे राजू जी हैं। ये सिर्फ मेडिसिन का कमाल नहीं है, ये तो इनके प्यार का कमाल है। You are really great, sir. नमस्कार। शुक्रिया डॉक्टर। मुझे इजाजत दे। राजू। हाँ माँ। मेरे लाल, अब तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे ना? नहीं माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा। बेटा। डैड, मॉम, डैडी, मॉम, दिव्या, डैडी कहाँ है? क्या बात है? डैडी कहाँ है? दिव्या, डैड, क्या हुआ डैड? बताइए, बताइए डैड। 20 सालों से जो ज्वाला मेरे सीने में आग के लपटों की तरह दहक रही थी, वो सब ठंडी पड़ गई। मैं हार गया दिव्या, हार गया। मैं जीना नहीं चाहता। आखिर हुआ क्या है, बताइए ना मुझे। मैं कुछ नहीं बता सकता, मेरा जीना बेकार हो गया। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। ओके डैड, ओके। मेरी रगों में भी आप ही का खून दौड़ रहा है, एक मौका मुझे भी दे दीजिए, मैं भी हार गई तो दोनों मरेंगे। दिव्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मॉम। नहीं राजू, नहीं बेटे, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुला सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने से दूर तुम्हें यतीम की तरह गेस्ट हाउस में क्यों रखा। बेटा, वो दत्ता दिन ब दिन तुम्हारी माँ के करीब आता जा रहा है, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो तुम्हें अपना बेटा कभी नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी बेटा। जाने दीजिए डैड, आप रोइए मत, मेरी तकदीर में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। लेकिन बेटा, मैं एक फैसला कर चुका हूँ। कैसा फैसला? वो मल्लिकार्जुन कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने उस दत्ता की जीप में बॉम्ब फिट करवा दिया है। अगर ब्लास्ट से उसकी मौत हुई तो सब समझेंगे ये एक हादसा था। फिर मैं सबको सच्चाई बताकर तुम्हें अपने घर ले आऊंगा।
इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है राजू, आज दत्ता को मरना ही होगा। डैडी समझ गया। मैडम वो वही है। तुम? मैं। अब कौन सा नया प्लान बनाकर किसे फंसाने के लिए आए हो तुम यहाँ? ये बात तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता, समझ गई ना? दत्ता यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ दत्ता। मैडम मैडम क्या हुआ मैडम? दत्ता तुम कौन हो मुझे नहीं पता, कहां से आए हो ये भी नहीं पता, प्लीज ये गांव छोड़कर चले जाओ। मैं दत्ता हूँ ये बात मुझे सब पता चल गया है, तुम्हें ये लोग मार डालेंगे दत्ता। मुझे? हाँ, तुम्हारी जीप में बॉम्ब किसने रखा तुम्हें पता है ये? बादशाह के लोगों ने। बादशाह कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी जीप में बॉम्ब रखने वाले मेरे मामा हैं। शांति वर्मा जी ने रखा? हाँ। ए, भला वो मुझे क्यों मारेंगे? आपको यहाँ लाया ही गया है जान से मारने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं। आज से 20 साल पहले। बस बस हो गया, हमारी रानी बेटी तैयार हो गई। अरे कहीं हमारी परी को हमारी नजर न लग जाए। हाँ हाँ, ऐसी बातें मत करना, ये आपकी नहीं अब हमारी बेटी है। अच्छा सुनो, बच्चों को ले जाकर गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जाओ बेटा जाओ। चलो बेटा। क्या हुआ, बहुत उदास लग रहे हो? कुछ नहीं जीजा जी, वो शुगर फैक्ट्री, वो ऑक्शन, मल्लिकार्जुन, वो भी आ रहा है क्या? हाँ। अरे आने दो ना उसे, अगर धंधे में मुकाबला ना हो तो कामयाबी कभी नहीं मिलती। वैसे उसका और हमारा धंधा छोड़ दिया जाए तो हमारे बीच कोई टकराव है ही नहीं। अरे बड़प्पन दिखाने के लिए इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ जाता। अरे भाई हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमारा कारोबार ही काफी। क्या जीजा जी, किसी बात को आप सीरियसली नहीं लेते, एक वो शुगर फैक्ट्री या फिर ये घर, मैं और आप बस इतना ही। वो इलेक्शन में ना खड़े हो बस यही चाहते हो ना, इसके लिए तुम कोई रास्ता तलाश लो। तलाश लेंगे। डैडी डैडी मैं और कल्पना हमारे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना चाहते हैं, हम डांस करेंगे। ठीक है जाओ। अशोक जी मालिक, इन्हें जल्दी छोड़कर आओ। ठीक है, मुझे शुगर फैक्ट्री के इलेक्शन में जाना है। नजदीक का फिर बताता हूं। मेरे पिताजी की गलती की वजह से मल्लिका अर्जुन ने अपने बेटे को खो दिया। तुम्हें पता है शुगर फैक्ट्री में इस वक्त हमारा पलड़ा भारी है। अच्छा? ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे उसे देखिए कैसे भाग रहा है। इस मौत के जिम्मेदार मेरे मामा ही हैं। ये सोचकर मल्लिका अर्जुन के लोगों ने मेरे मामा के बेटे को मारने की कोशिश की। राजू मेरा बेटा। मेरे मामा का बेटा राजू उस हादसे में बच गया। उस मौत के जिम्मेदार होने की वजह से मेरे पापा को सजा हो गई।
मेरे मामा ने मल्लिका अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और दुश्मनी खत्म करने की उनसे गुहार लगाई, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने मामा जी के बेटे को खत्म करने की कसम खा ली थी, इसीलिए मामा जी ने राजू को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। और उस दिन से ये सभी लोग बदले के भाव से एक दूसरे के परिवार के खून के प्यासे हो गए हैं। इसका मतलब मुझे कुर्बान करने के लिए बकरा बनाकर यहाँ पर लाया गया है। साथ में रहकर पेट में छुरी मारने वालों को मैं अपना हमदर्द समझने की भूल कर बैठा था। दत्ता, यहाँ से भाग जाओ प्लीज। भाग जाऊं? अरे अभी अभी तो कहानी ने नया मोड़ लिया है, अब यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? देखो, मैदान छोड़ के भागने वाला बुजदिल होता है और मुश्किल हालातों से निपटने वाला खिलाड़ी कहलाता है। डैड, 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 मेरे प्यारे डैड। आपको पता है आज क्या हुआ? मेरी जीप में किसी ने बम रख दिया और धमाका भी हुआ, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ मेरे प्यारे डैड। ये सब आपका आशीर्वाद है डैड। एक मिनट, मैं भाग तो गया था लेकिन थोड़ा सा टेंशन हो गया था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ और इसी खुशी में एक सिगरेट हो जाए प्लीज। डैड, बेटे ने धुआं छोड़ा ये फील कर रहे हो क्या? नो फीलिंग डैड, जानते हैं अमेरिका में फादर एंड सन जिगरी दोस्त होते हैं। ए डैड के बच्चे, मैं पैदाइशी लुच्चा हूं। अपनी जिंदगी में तो जैसे हजारों लोगों को देखा है मैंने, शाहरुख की एक्टिंग, सलमान की फाइटिंग और अमिताभ की आवाज, और मैं खुद ही अजय देवगन की तरह हूँ और चेहरा अक्षय कुमार जैसा है। इन सब की अदाएं मुझ में हैं, लेकिन तुम हो प्रेम चोपड़ा। बड़े प्यार और मोहब्बत से तुमने मेरी गर्दन काटने का सोचा है? अरे तुम तो एक खतरनाक विलन हो। ओ, मतलब तुम्हें सब पता चल गया। देखो, मैं अच्छा हूँ या फिर बुरा हूँ ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरे बेटे की जान सबसे खास है। तो क्या मुझे मार डालोगे? तो क्या हुआ, अगर तुम मर भी गए तो तुम्हारे लिए रोने वाला कौन है? ओए, यतीम की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती है क्या? हाँ, तुम्हारा ही बेटा एक इंसान है क्या? हम यतीम इंसान नहीं होते? यू सी फादर, कम ऑन, सी 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 मी यार। दत्ता की हाइट, दत्ता का वेट, दत्ता का लुक, दत्ता का स्टाइल, दत्ता की फाइट, इतना ही नहीं, दत्ता का अपना एक पावर है। हाँ, आप मेरी सांसें छीनना चाहते थे ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं आपका बाप हूँ, समझे? क्यों रे, तू मुझे डरा रहा है? बाहर जाकर तू सबको ये बताएगा कि तू अभी तक जो कर रहा है सब एक नाटक था। ठीक है, जा बता दे, कोई यकीन नहीं करेगा। अरे यही तो है मेरा प्लस पॉइंट। चलो मान लिया कोई यकीन नहीं करेगा। अरे कोई क्यों, तुम्हारी पत्नी यकीन नहीं करेगी। हाँ, बेंगलुरु के महाराजा की तरह आराम से इस खूबसूरत पैलेस में बढ़िया से फिक्स हो जाता हूँ, यू नो। उसके बाद आप मेरे सामने आकर मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन कहीं अगर तुमने रिवर्स गियर लगाया तो तुम्हारा काम तमाम। hey, समझो, व्हाट कैन यू डू, आई सेड व्हाट कैन यू डू। ओए, मेरे साथ अंग्रेजी छोड़ रहा है। आई डू यार, टुमारो आई गो। इम्पॉसिबल। बेंगलुरु छोड़कर दत्ता यहाँ क्या करने आया होगा? राजू, मैं आ गया। अरे आजा, How was journey? Journey. बहुत बोरिंग जर्नी। हर स्टॉप पे रुकते हुए सवारी भरते हुए गाड़ी आई है। लंबू सिर्फ इतना ही नहीं, हर स्टॉप पे कॉफी पी लो, नमस्कार नमस्कार करते हुए पका देते हैं। नो,
Who is this old man? Father. Father? Yeah. मुंह से शहद टपक रहा है, ये तो एक नंबर के बिग फ्रॉड फादर है। राजू। माँ? माँ, ये है राज भोला, अमेरिका का दोस्त। मम्मी, oh, I am coming, मम्मी। मम्मी, you look like young हेमा मालिनी, मम्मी। मम्मी। तुम कौन? I and राजू, friends made in America। मम्मी, चैन और पर्स उड़ाने में हमारा गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम आता है। चैन और पर्स? नहीं मम्मी, चैन और पर्स परसेंट बनाने के मामले में हम लोग बहुत फेमस हैं। हाँ, उसका प्रिंट आउट नहीं था इसलिए मैं ला नहीं पाया। पर तुम रो क्यों रहे हो? मैं रो इसलिए रहा हूँ माँ जी, जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ ने न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे मुझसे मोतियों का हार मांगा था, मैं उन्हें दे नहीं पाया था, उसका मुझे बहुत अफसोस है माँ जी। आज आपको देखा तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, खा के आराम करना। मम्मी, मम्मी जी को तुमने सब कुछ बता दिया ना? नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, तू अपना मुंह जरा बंद। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं मेरा बताया रह नहीं सकता हूँ, मैं बताऊंगा। आखिर बात क्या है, तुम मुझे बताओ बेटा। कुछ नहीं माँ। नहीं माँ जी, मैं आपको बताता हूँ ना। माँ को कुछ मत बताना। मैं बताऊंगा। मम्मी, राजू ना अमेरिका में एक हॉस्पिटल बना रहा है आपके नाम पर। क्या सच में? हाँ माँ, मैंने 25 लाख खर्च करके उसकी बुनियाद रखी है। तुमसे मिलने की खुशी में सब कुछ अधूरा छोड़कर आ गया माँ। ऐसे नेक काम कोई अधूरा छोड़कर आता है क्या? मम्मी, अगर आप 2 करोड़ का फाइनेंस कर देंगी तो हॉस्पिटल का काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। 2 करोड़ चाहिए ना, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। काम लेकिन डैड को मंजूर नहीं हुआ तो? विनिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आप बीच में मत बोलिए। देखिए, ये पैसे पापा मेरे लिए छोड़ के गए थे, अगर फिर भी कम पड़ गए तो मैं अपनी जमीन बेचकर उसे दे दूंगी। तुम फिक्र मत करो बेटा। राजू जी, कल माँ का जन्मदिन है, अच्छा दिन है, आप कल से काम शुरू करिए। दोस्त सुनना, पहले शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं। डैडी, आप प्लीज इनकार मत कीजिए। डैडी। हाँ डैडी जी, इनकार मत कीजिएगा। प्लीज डैड। डैडी, मैं भी एक चुम्मी ले लूँ क्या? चल यार, ये लीजिए, आइए, ये लो। शुक्रिया मालकिन। घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। नमस्ते मालकिन। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मालकिन। नमस्ते मालकिन। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। जी जी, नमस्ते मालकिन। बहुत शुक्रिया। ये लो चाची। ये सब क्या हो रहा है? आज सेठानी जी का जन्मदिन है, इसीलिए सबको कपड़े बांट रही हैं। बहुत नेक औरत है। डैडी जी। डैडी जी, हम लोग भी लाइन में खड़े हो जाएं क्या? एक मारूंगा तो 32 ही निकल जाएगी। डैडी को जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है। राजू, तुम तो दानवीर करण के जैसे हो। थैंक यू, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। दोस्त, मेरे डैड ने जो 4 पीढ़ी तक कमाया है वो मरते वक्त साथ थोड़ी ना लेकर जाएंगे, इसलिए माँ के जन्मदिन पर खैरात के रूप में मैं बांट रहा हूँ लोगों को। देखो माँ के जन्मदिन पर कितना खुश है और लोगों में बट रहा है सब कुछ। दिल खोल के पुण्य कमाऊंगा। मम्मी जी की जय। मम्मी जी की बेटे की जय। मम्मी जी की जय। मम्मी जी की बेटे की जय। मम्मी जी की जय। मम्मी जी की बेटे की जय। सोने जैसा आपका दिल है मालकिन, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। अपने हीरे जैसे बेटे को आपने अपनी नजरों से दूर इतने दिन कैसे रखा मालकिन? खुश रहो मालकिन। नमस्ते। चुपचाप खड़े क्यों हो बेटा, ले लो। ले लो बेटा। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ जी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जुग जुग जियो बेटा। नमस्ते। 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 ये ये
दत्ता, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पूरे 20 साल से माँ की ममता और उसके प्यार से दूर रहकर तुम कर भी क्या सकते हो? दत्ता, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मम्मी के करीब होने के बावजूद सब कहते हैं कि शांति वर्मा का बेटा बहुत नेक है, तारीफ वो तुम्हारी करते हैं, लेकिन नाम तो वो मेरा ही लेते हैं। कितनी अजीब बात है ना, तुम्हारी वजह से मैं घर तक आ गया, बहुत जल्दी मैं सबका दिल जीत लूंगा। पता नहीं मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। मूव मूव, चलो दत्ता, मूव, आई वांट टू किल हिम, मूव। ए ए, मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुमने मुझे क्यों रोका? मैं उसे मारना चाहती थी। तुम उसको क्यों मारोगी? हाँ, तुम इसे मारोगी, तुम्हारा बाप दूसरे को मारेगा, तुम्हारी माँ तीसरे को मारेगी। इसी तरह एक एक करके खत्म करते जाओ और खुद यतीम बन के मर जाओ। पहले क्या कहा था स्टाइल में? बोला था कि प्यार क्या होता है तुमने कभी पढ़ा है क्या? लेकिन अभी देखो तुम खुद ही बनकर जी रही हो। अरे अपनी लाइफ का चैप्टर तुमने ही लिखा था ना, क्या था वो? मेरा पति बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। हा? किसी पढ़े लिखे या हीरो के बारे में जानकर कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि सबको जाननी चाहिए सिर्फ एक ही जुबान, इंसानियत की जुबान। अरे जब वही तुमने नहीं सीखी तो तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का तुम क्या अचार डालने वाली हो? तुम बहुत बड़ी बन गई हो ना, तलवार हाथ में लेकर सबको मारने के लिए निकल गई हो। तुम उसी से शादी करोगी जो इस देश का, समाज का बहुत बड़ा अहदेदार होगा। इसी तरह खुन्नस निकालने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो सुन ले ऊपर वाले, तुझे भी मेरा सलाम है, हम तो यतीमी में ही खुश हैं। उस रोज तुमने मेरे गाल पर पब्लिक के सामने थप्पड़ मारा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं सुधर गया। मैं तुम्हें कहता हूँ अभी भी सुधर जाओ, नहीं मानना है तो मत मानो। आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध रखना ही नहीं चाहता मैं। चला जाऊंगा मैं कल के कल यहाँ से। दत्ता, आई एम सॉरी, मैंने अपनी डायरी में ये जरूर लिखा था कि मेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए, पर वो सब झूठ था। आज मैं मानती हूँ कि मेरा जीवन साथी तुम्हारी तरह होना चाहिए। तुमने जो कुछ भी कहा मुझे उससे इनकार नहीं है दत्ता। आज से ये दुश्मनी, ये नफरत सब कुछ छोड़ देती हूँ, अब खुश हो? मेरी बात मानोगी ना? जरूर मानूंगी। मेरा फ्रेंड है राजू। नमस्ते, नमस्ते। आओ बैठो बेटा। बैठो ना डैड। हाँ? बेंगलुरु में हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है। इतना ही नहीं, ये हमारी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानता है। अच्छा, ये जानकर खुशी हुई। डैड, राजू मुझसे कई दिनों से एक बात कह रहा है, वो बात मैं आपको कैसे बताऊं? ये मुझसे किस बात का डर, बोलो। वो राजू हमारी कल्पना से शादी करना चाहता है। नहीं बेटा, मेरी बेटी कल्पना का मतलब। मुझे सब कुछ पता है अंकल, किसी की गलती की वजह से इसे अपना पैर गंवाना पड़ा। मतलब क्या तुम उस पर रहम खाकर शादी करना चाहते हो? नहीं अंकल। नहीं डैड, ये उसे पसंद करता है, अपनी मर्जी से उससे शादी करना चाहता है और कर्ज उतारना चाहता है, बस इतना ही। किस बात का कर्ज? दरअसल पढ़ाई में मैंने इसकी बहुत मदद की थी इसीलिए। ओह सॉरी। देखो बेटा, तुमने सामने से आकर हमारी बच्ची का हाथ मांगा है, इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारा खानदान, तुम्हारी कुंडली, इन सब के बारे में कभी कुछ नहीं पूछूंगा। लेकिन तुम भी फैसला करने से पहले एक बार सोच लो। डैड, फैसला बाप को लेना है, ये हमारी कल्पना की जिंदगी का सवाल है डैड। अंकल प्लीज।
शुक्रिया बेटा। तुम तो हमारे घर पर भगवान बनकर आए हो। यहाँ तो सुबह शाम दुश्मनी खून खराबा ही होता है। बड़े दिनों बाद तुम्हारी वजह से खुशियाँ आई। राजू, क्या बात है, बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हो। ए, मेरा बेटा कहाँ है? कौन, ओरिजिनल या ड्यूप्लीकेट? दत्तों, रोज रोज डर डर के जीने से तो अच्छा है एक बार में किस्सा खत्म हो जाए, इसलिए किस्सा खत्म करके आया हूँ। क्या कहा, क्या किया तुमने उसका? अभी तुम्हारा बेटा मल्लिकार्जुन के घर पर है। तू पागल हो गया है क्या? मेरे बेटे को तूने मौत के मुंह में ढकेल दिया। अरे ओ मालिक, नमस्कार। जानते हैं वांटेड क्रिमिनल को खुलेआम छोड़ देने पर पुलिस वाले उसके साथ क्या करते हैं? सीधे एनकाउंटर कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए सबसे महफूज जगह लॉकअप ही होती है। जान बचाने की यह भी एक अच्छी तरकीब है, समझे? नहीं, मेरे बेटे को बचाना ही होगा। अब आप कहां चल दिए? अपने बेटे को लाने के लिए। ओए, मेरे ड्यूप्लीकेट बेटे होने के बावजूद उन्होंने बख्शा नहीं, और आप जाकर कहेंगे कि ये हमारा असली बेटा है तो पता है क्या होगा, सीधे ऊपर पहुंचा देंगे उसको। अपनों के लिए कब्र खोदना तुम जैसों का काम है, और अपनों की हिफाजत करना ये मेरा काम है। सब लोग इतने खामोश क्यों हैं? सब शादी के लिए मान गए ना? शादी का इंतजाम भी हो चुका है। तुम सच में महान हो दत्ता। हम सब भटक गए थे, लेकिन तुमने हमें मिलाकर एक नई जिंदगी दी है। मेरी जिंदगी तुम सबके काम आ गई, बस ये महसूस करके मैं खुश हो रहा हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ खोई हुई हो तुम? कुछ भी तो नहीं। तो आंखों में ये आंसू क्यों? ये गम के आंसू नहीं है, दो घरों की दुश्मनी मिट रही है, उसी खुशी में छलक पड़े। अच्छा। सुना है कैद में रहकर लोग सुधर जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मेरी बेटी ही अपनी नहीं रही। मैंने 14 साल जेल में गुजारे, लेकिन सब बेकार हो गया। मेरा ये बनवास फिजूल नहीं जाना चाहिए, रियासत मुझे ही मिलनी चाहिए, हर हाल में। कल्पना, ये ठीक है ना बेटी? हाँ। कल्पना वेट्स। राजू। आओ बेटा, तुम्हारी शादी के कार्ड छप चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि पहला कार्ड तुम्हारे घर वालों को दूं। हाँ, वैसे आप देंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, किसे देना है? शांति वर्मा को। डैड, राजू जो कह रहा है वो सही है। ये तुम क्या कह रही हो? 20 सालों से दो परिवारों में दुश्मनी चली आ रही है, पर पहली बार दोनों एक रिश्ते में बनने वाले हैं, और वो भी शादी जैसे पवित्र बंधन के जरिए। अब ये खून खराबा बंद होना चाहिए। क्या मतलब? तो मैं उसके बेटे को छोड़ दूं? छोड़ दीजिए, राजू अब सिर्फ उनका बेटा नहीं, हमारा दामाद भी है। जी हाँ अंकल, जिंदगी का मतलब सिर्फ दुश्मनी नहीं, प्यार भी होता है। आप क्या चाहते हैं, दुश्मनी या प्यार? उनसे जो गलती हुई थी उसकी सजा वो अपने बेटे से दूर रहकर तड़प तड़प कर काट रहे हैं। अब तो उन्हें माफ कर दीजिए। जो माफ करता है वो भगवान के समान होता है। मुझे अपना बेटा समझकर मेरे डैड की गलती को माफ कर दीजिए अंकल। हे प्लीज। तुम्हारी माँ बहुत खुशनसीब है, तुम्हें देखते ही
फक्र महसूस होता है, प्यार आता है तुम पर। तुम सबकी खुशी के लिए मैं सारी दुश्मनी मिटाने के लिए तैयार हूं, जैसी सबकी मर्जी। शुक्रिया अंकल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहा? मेरा बेटा उस घर का दामाद बनेगा। 10 मिनट के अंदर यहाँ पर वो लोग लगन पत्रिका लेकर आ जाएंगे। जो पैरों से चल नहीं पाती वो मेरे घर की बहू बनेगी। उसकी जिंदगी किसकी वजह से खराब हुई? हमारी वजह से। दत्ता माँ, आपको काव्या ने मुझे सब कुछ बता दिया है। माँ बाप तो बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन इस दत्ता ने हम लोगों को एक नई जिंदगी दी है। तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। इस तरह की बातें मत किया करो ना माँ। आप इसे यहाँ पर इसकी जिंदगी छीनने के लिए लाए थे ना, लेकिन ये दत्ता आप? इसने हमें नई जिंदगी दी है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं जी, मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ। असल में आपने तो एक पति और पिता का फर्ज निभाया है, लेकिन अब तक हम दोनों ने जो भी गलतियाँ की है ना, इसलिए अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा के अपने गलती का प्रायश्चित करना चाहिए। माँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा। मल्लिकार्जुन को ये बात शादी होने तक कोई नहीं बताएगा, प्लीज। शांति वर्मा जी हैं? क्या हम अंदर आ सकते हैं? बिना बताए आपके घर आए, उसके लिए माफी चाहता हूं। पहले आप लोग अंदर तो आइए, फिर हम सुकून से बातें करते हैं। बैठिए। हमारी बेटी की शादी है, इसलिए पहला दावतनामा आप लोगों को देने आए हैं। शादी में शामिल होकर बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा। आप सब जरूर आइएगा। आज तक जो कुछ भी हुआ है उसे ख्वाब समझकर भूल जाइए। अब तो ऊपर वाले ने ही इतने सालों बाद हमें एक दूसरे का रिश्तेदार बना दिया। इसे ऊपर वाले की मर्जी समझिए, हम तो कठपुतली हैं। आज हमें आपके चौखट तक लाने वाला हमारा ये दामाद, इसी ने मुझे वापस इंसान बनाया। मैं सिर्फ आपके बेटे की शादी नहीं, अपने बेटे की शादी समझ कर आऊंगा। बाय काव्या। बाय। नमस्ते। मुझे आशीर्वाद दो मां। जुग जुग जियो बेटा। डायरेक्टली जुग जुग जियो बेटा। चलता हूं डैड जी। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तुम्हारे आगे मैं हार गया बेटा। आज आपने जो काम किया है उसने सबका दिल जीत लिया है सर। यही है जिसने मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया। बचना नहीं चाहिए। 1 करोड़ 2 करोड़ यही है वो हम जिसे तलाश रहे हैं। आपको मालूम है इसे तलाश करने के लिए हमने कितनी तकलीफ उठाई है? क्या पता है आपको? कितनी प्यारी लग रही है ना? बहुत ही प्यारी है। पंडित जी, सब कुछ अच्छी तरह से कीजिएगा। आइए उस तरफ देखते हैं। हाँ, चलिए आइए। देखिए, बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगा? हाँ, आप इसे मेरी बेटी की नहीं, हाँ? अपनी बेटी की शादी समझकर कन्यादान करेंगे। अरे ये भी कोई कहने की बात है? हाँ? देखिए वो लोग आ गए, आइए चलते। हाँ। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। आइए बैठिए। मुबारक हो। मैं वहां आती हूँ। ओके, शादी है, शादी है, सब लोग आज बहुत खुश हैं। ऐसे किसे देख रहे हो लंबू? देखो टिंगो,
सबको देखो। हाँ, सब फोटो के लिए ग्रुप में खड़े हैं। इसे कहते हैं एक फैमिली। फैमिली नहीं, फैमिली। वही, कल तक ये लोग एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को नोचने के लिए, खून करने के लिए कितने उतावले थे, लेकिन आज ये सारे लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। सब मालिक का खेल है। लेकिन तेरे सिवा ना मेरा कोई है और ना ही आगे कोई तेरे सिवा होगा। ए लंबू यार, तुम तो इमोशनल हो गए मेरे भाई। लेकिन तू इमोशनल मत होना। ऐसा मत बोल। अरे बस कर यार, बस कर, बस कर, चल। देख तेरी वाली इस तरफ ही आ रही है। कंट्रोल। हाँ ठीक है, तू जा। क्या बात है दत्ता? नहीं कुछ नहीं, चलो ना। अरे तुम जाओ ना, मैं आता हूँ। चलो दत्ता। अरे अभी यही ठीक हो, तुम जाओ मैं आता हूँ। दिव्या जी यहाँ आओ बेटी। दत्ता बेटे बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए सर? 20 साल से चल रही दुश्मनी को तुमने रिश्तेदारी में बदल दिया बेटा। सर हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज तो जरूर होता है, और उस इलाज का पता लगाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत होती है। पर ये काम तो तुमने ही किया है ना? सर अब उन्हें सब कुछ बता दीजिए शादी होने के बाद। अब उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? कुछ भी नहीं होगा। एक लड़की को लड़का मंगलसूत्र बांध देता है तो वो 7 जन्मों के लिए एक बंधन में बंध जाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बता दीजिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम तो हो ही ना। सुनिए जी। आया। तुम उस तरफ दे दो काफिया। हाँ ठीक है, लीजिए। यही है वो जगह, इसे नेस्तनाबूत कर दो। शादी रुकवा देना। हाँ बिल्कुल। लंबू वो आ गया, वो आ गया, आ गया वो। अरे कौन? अरे, मरने वालों के घर के सामने जैसे बैंड बजाने वाले ड्रेस पहनते वैसा पहन के आया है वो। मुहूर्त में अभी कितना वक्त बाकी है? सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। ठीक है, तू यहाँ पर संभाल, मैं वहां उन्हें पार्सल करके आता हूँ। ब्लैक ड्रेस वाला कहीं अंदर ना जाए। नमस्ते नमस्ते। हम तो तुम्हें सारे शहर में ढूंढ रहे हैं और तुम यहां छुपे बैठे हो। मौत के डर से बिल में घुसकर बैठते हैं तुम जैसे चूहे लोग। मैं चूहा नहीं शेर हूं। तूने सुना होगा मुल्क में राज करता है वो राजा, और वो मैं ही हूं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। ये गिनती किस बात के लिए कर रहा है? कितने बाराती साथ लाया है ये गिन रहा हूं। इस गिनती में मेरे ड्राइवर को भी शामिल कर लेना। वेरी गुड। प्लस 5 मतलब 30। गुड बाय, नो फाइट। अरे भागो। हे कम ऑन, पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे जाओ। अरे रुको। hey, छोड़ो, वो भाग रहा है। अरे उसे नहीं, hey, हमें शादी रुकवानी है। अरे कम ऑन। बहुत बड़े खिलाड़ी लगते हो तुम, सामने मौत देखकर सही जगह पर आके रुके हो तुम। ये दत्ता मौत से डरने वालों में से नहीं, मौत को डराने वालों में से। हाँ देख बादशाह, मैं तुझे शादी के मंडप के सामने भी मार सकता था, लेकिन क्या करें, तूने कहा कि तेरा ड्राइवर भी अच्छा फाइटर है, अगर उसको कुछ भी हो गया तो तुझे यहाँ से कौन ले जाएगा। अब तो सबसे पहले होगा एक्शन, उसके बाद एडमिशन। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, समझा ना? सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, शादी के मुहूर्त में पहुंचना है ना। किल हिम। हाँ ये सही है। हाँ
अरे क्या कर रहे, पहले शादी को रुकवाओ, पहले इसे खत्म करना है। अरे हम उसे मारने आए कि वो हमें मारने आए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ पर कैसे? दत्ता, जहाँ तुम वहाँ मैं। ओ, मेरी अपनी बिल्ली मुझे ही म्याऊं कर रही है। लड़का लड़का। दत्ता प्लीज, I love you। मैं भी प्यार करता हूँ। तेरा बाप है लालू, हम खेल में चालू। ए लंबू, वो भी आ रही है। आ, 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 आ। दत्ता, तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम सब तुम्हारे साथ रहने के लिए चलेंगे। माँ, वो मुझे माँ कहते हो ना, तो माँ की बात नहीं मानोगे? दत्ता, मैं तुम्हारा पिता हूँ बेटा, मेरी भी बात नहीं मानोगे? ए बैड मामा, ची ची ची, अच्छे मामा। 1 2 3 4 + 3 7, अभी लेकर आता हूँ। दत्ता, हमने जो नहीं सोचा था वो तुमने आज कर दिखाया बेटा। तुम हमारी नजरों से दूर मत जाना दत्ता, तुम जहाँ रहोगे हम भी वहीं रहेंगे। और दो। अरे यार क्या मुसीबत है? क्यों भाई, मेरी बेटी को भगा कर ले जा रहे हो? अरे ये मेरा बेटा है भाई। 7 8 9 10 11 हमारा बेटा है। हाँ हमारा बेटा। अरे, है नहीं, हाँ भाई, हमारा दामाद, हमारा दामाद है। इतने सारे लोग, तुम सबको मिलाकर तो मैं एक बहुत बड़ी गैंग बना सकता हूँ। तुम लोगों को ट्रेन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए हथकड़ी लेकर आना पड़ेगा। ना ये किसी का बेटा है, ना ये किसी का दामाद है, ये हम सबका यार है, दत्ता है ना दत्ता।